हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ब्रेड की मिठाई जो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर फुल क्रीम दूध और उसको हम अच्छे से जला के खोया तैयार कर लेंगे। तो ये दूध को हम अच्छे से पका लेते हैं। पका के जब हमारा खोया तैयार हो जाएगा तो आपसे मिलते हैं। ये देखिए, हमने जो दूध जला रहे थे ना, हम तो उसका हमने खोया तैयार कर लिया है। और अब हम ब्रेड को तलेंगे। एक एक करके सारा ब्रेड तल लेंगे। इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। जब अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही करके एक एक करके सारा ब्रेड हम अच्छे से इसमें तल लेंगे। ये देखिए, अच्छा गोल्डन हो गया है ना। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को तल लेंगे। और इधर हमारा ब्रेड तल रहे हैं तो तक इधर हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी और इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और इसकी हम चाशनी तैयार लेते हैं। इसलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक तरफ हमारा ब्रेड रेडी हो रहा है और एक तरफ हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। दोनों तैयारी करके मिलते हैं हम। ये देखिए, एक एक करके हमने सारे ब्रेड अच्छे से तल लिया है और इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी के लिए हमने लिया था 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी। और ये चाशनी कोई एक तार दो तार की नहीं बनानी है, बस हल्की चिपचिपी हो जाए फिर इसको हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारी चाशनी देख सकते हैं हल्की चिपचिपी हो गई तो इसको हम बंद कर देते हैं और इसी में सारे ब्रेड को एक एक करके डाल देते हैं। हल्की सी चाशनी ठंडी हो जाए तो सारे ब्रेड हम एक एक करके इसी में डाल देंगे और कम से कम इसको 10 मिनट छोड़ेंगे इसी चाशनी, फिर ब्रेड को हम निकाल देंगे। ये देखिए, एक एक करके हम सारे ब्रेड इसी में डाल देते हैं। ये देखिए, सारे ब्रेड को एक एक करके, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है मिठाई है। चाशनी को उलट उलट करके डाल देते हैं इसमें। इसको हम इसी में थोड़ी देर छोड़ रहे हैं फिर इसको निकालेंगे। निकाल के आगे के स्टेप में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पहला बैच मिठाई का हमने निकाल लिया है और ऐसे जो होगा ना तो ऐसे जाली पे हम इसको रख देंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा चाशनी है, देखिए नीचे निकल रहा है, तो हमारी मिठाई और परफेक्ट बनेगी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा चाशनी होगा ना वो सब इसमें निकल जाएगा। और बाकी का दूसरा बैच जो है हम इधर डाल दिए हैं चीनी की चाशनी में। अभी हमारा रेडी हो गया। इसको भी हम इसी तरीके से निकाल के और इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है ना उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी था अभी निकल चुका है। इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमने ब्रेड को तल लिया, चाशनी से भी निकाल लिया और अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ये देखिए, एक ब्रेड उठाएंगे और अच्छे से इसमें चारों तरफ, ये जो हमने खोया तैयार किया था ना, इसको हमने घर में ही तैयार किया था दूध को जला के, तो अब इसी को हम बीच में अच्छे से लगा देंगे। इसकी स्टफिंग कर देंगे चारों तरफ से। खोया अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा लगाइए। और इसके बीच में लगा के ये हमने अच्छे से लगा दिया खोया। इसके ऊपर से एक और ब्रेड लगा देंगे। देखिए, लग रहा है ना बढ़िया सा हमारा मिठाई, बिल्कुल ही जल्दी बन जाने वाला और घर में बन जाने वाली बहुत जल्दी। तो ये बिल्कुल ही जल्दी बन जाती है और आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। और आप चाहें तो नारियल के बुरादे में इसको रख के उलट पलट करके इस पर लगा सकते हैं, ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसलिए बताने की कोशिश की हूँ ताकि आप बना सकें। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा सामान के चक्कर में हम डिश बना ही नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा आज बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके लिए ब्रेड की मिठाई बताई जाए कि आप भी बनाएँ
और यकीन मानिए फ्रेंड, ये खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी होता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हमारी मिठाई आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।